हरि ओम नमस्कार। आज गीता चैप्टर तृतीय को आसवा चैप्टर थ्री आम कहीं गीता पढ़वा मु गीता चैप्टर वन डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिखी आपन टिके देखिबे। आउ वर्तमान जो सहजे मिले अविनाशी आमर रहिला सेवा और साधना। सेवा आम कहीं करवा सेवा कले मनर अंतकरण अंतकरण हूँ मन शुद्ध हम अंतकरण मौली मनर मौली कि माया आम कहू कामना बासना लोभ मद मत्स्य सेवा कहापाई केमी के पर सेवा करुचे दर्दनार सेवा करुचे दुखी रंग सेवा करुचे कि भगवान सेवा कर सेवा निजर बासना नहीं कि विभिन्न प्रकार सेवा कि सेवा निहाती करा दरकार। सेवा नक मन के शुद्ध हेनी आ शुद्ध मनरे ही भगवान को आम कौन कर स्मरण करवा आमर नैवेद्य आमर भक्ति भगवान को कौन स्वीकार हम तो सहज मेले अविनाश चैप्टर थ्री रहा सेवा साधना। साधना हूँ भगवद गीतार ये संसार रहीकि आम युद्ध क्षेत्र रहीकि स्वधर्म भी आम करे रहीकि भगवान साधना करा दरकार। तेरे भगवान को केमी साधना कर संसार में केमी कर्म करवा संसार में केमी ज्ञान लाभ करवा भगवान संबंधी ज्ञान आम गीता छोटिया बही सबकि अच्छी यही बहीरु आम आम जीवनशैली को आम चेंज करन करम कानून भेत रही आम निश्चय भगवान प्राप्त हवा भगवान को पाइबा बहुत भगवान प्राप्त हवा मान कौन शांति प्राप्त हवा भगवान को अन्न नाम शांति शांति तो आम सबकि कम करना तेणु गीतार जहाँ अच्छी आम बही पढ़वा धीरे धीरे पढ़ु पढ़ु आम तर बुझा एवं ताकु किछि काम लगेबा आउ एटा होछि संगे से टिके भी काम लगेले मध्य आमर देखिबे शांति धीरे 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 हृदय आमर आसी रही जीव शांति शांति माने भगवान भगवान शांति। तुम आसंतु बही खोलंतु तृतीय अध्याय आम आरंभ करिबा पढ़ंतु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीय अध्याय। अर्जुन उवाच जयसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव वामे श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि वमे तदेकं वद निश्चिन्त्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त्वा मया नघ ज्ञाने योगेन संख्यानं कर्म योगेन योगिनं न कर्मणाम नारम्भात् नैष्क्रम्यं पुरुषो स्मृते न कर्मणाम नारम्भात् नैष्क्रम्यं निपुरुषो स्मृते न च सन्न्यासनादेव सीदिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् क्रायते हवश कर्म सर्वप्रकृतिजिगुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते जस्तुन्द्रियाणि मनसा नियमारभतेजुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम् असक्तस्य विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म जायोह कर्मणः शरीरजात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः जस्यात् कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविशोधुं एष वोशिष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा वायन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयो परम व्याप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता
ते दत्ता न प्रहास्येभ्यो जो भुक्तेस्ते न एव स यज्ञशिष्टासि न सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुजते तु ज्ञं पाप जपचत्यात्मकारणान् अन्नाद् भवति भूतानि प्रजनादन्न सम्भवः यज्ञाद् भवति वर्जनो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माकरं समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह च अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति तस्वात्मरतिरेव सत् आत्मा तुर्तश्च मानवः आत्मनैव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतोऽन्यार्थो न कुर्ते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धि आस्तीता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमहर्षि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्त्यते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तं एव च कर्मणि यहि हहं वर्तेयं जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्तमानुवर्त्यन्ते मनुषा पार्थ सर्वशः उश्चिदेयूरिमे लोकान् न कुर्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्त्यासाम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वंसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यद्विद्वन् तथा सक्तः चिकिष्चु लोकसङ्ग्रहम् न बुधि वेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तद्वितु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्यते प्रकृते गुणसमूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदमद्यान् कृष्णभिन्नन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यसाध्यात्मचेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा युधस्यो विगतज्वरः जे मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः सदा वन्दो न श्रूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः चेतद्भ्यः श्रूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् जेतदभ्यः श्रूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विधिं नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं जान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे रागदोषौ व्यवस्थितौ तयोन्नवसमागच्छेत् तौ हस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्म विगुण परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भयावह अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वाष्णेय बलादिवो नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोधो एष रजगुणसमुद्भवः महासोन महापाप्या विद्धेन मीह वैरिणम् ध्रुमेन ब्रियते वह्नि यथादर्शो मळेन च यथादर्शो मळेन च यथोल्बेन मृतो गर्भ
तथा तेनोदमावृतम् आवृतं गानमेतेन गानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयतेश ज्ञानमावृतदेहिनम् एते विमोहयतेश ज्ञानमावृतदेहिनम् तस्मात्मिन्द्रियाणद्दु नियम्य भारत सर्व तस्मात्तुं इन्द्रियाणादु नियम्य भरत सव पवानं प्रजहियेनं ज्ञान विज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परन्याहु इन्द्रियेभ्यो परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा स्वं स्तभ्यात्ममात्मना एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्ममारात्मना एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मन आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओं तस्यत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ओं श्री गुरवे नमः ओं श्री गुरुभ्यो नमः ओं श्री गुरुभ्यो नमः भूल थिले क्षमा करिबे।